दिशा में एक बॉल एक रन। ऑफसाइड में स्लिप में एक खिलाड़ी लगाया गया है। बैकवर्ड पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर वाइडिश मिड ऑफ। इस बीच अगली गेंद और ये वाला स्वीप का पहले ही मन बना लिया गया। वेट करना होगा 22 के दो रनों का इशारा अंपायर की ओर से। विचलित किया था इस बार अपने स्थान से जयलाल राठौड़ ने। चकमा देते हुए दो रन जुटाए गए। दो खिलाड़ी इस समय जो 30 गज के दायरे से बाहर लगाए गए हैं उसमें एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट। अखिलेश लगभग सिली मिड ऑफ लगा दिया गया है। जयलाल राठौड़ के लिए रिवर्स स्वीप करने की कोशिश एक बार फिर जयलाल द्वारा। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यह गेंद वाइड होगी। ललचाई नजरों से देख रहे हैं अंपायर की ओर और अंपायर का फैसला जो भी होगा वो आखिरी फैसला होगा। जाने माने अंपायर हैं। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए एक बार फिर अखिलेश। जयलाल राठौड़ को गेंद फुल लेंथ गेंद खेला गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 1-2 बाउंस एंड अ फोर। पहला चौका आता हुआ जयलाल राठौड़ के बल्ले से। 7 रन बन गए हैं कुल मिलाकर। अब नेक्स्ट बॉल स्कोर 1 गेंद रिवर्स स्वीप एंड अ 4 रन। हवाएं अपोजिट दिशा में है। वारा अगर वारा उधर का नहीं होता तो ये छगा होता। दो गेंदों में 2 चौके फिर एक बार रिवर्स स्वीप। व्हाट अ शॉट डीजे कृष्णा। 3 गेंदों में 3 चौके जयलाल राठौड़ के बल्ले से। गेंदों में बैक टू बैक 3 चौके जयलाल राठौड़ के बल्ले से। 15 रन स्कोर पहुंच गए हैं। अब ए बेटा तिथे फील्डिंग करना रहा। हाँ साइड ला बाहर हूं जा बेटा बाहर। अनुज अगर हैट्रिक लेते हो तो दिव्य जी की ओर से 500 रुपए। 3 चौके लगे हैं। अगर 3 सिक्स लगाते बल्लेबाज या विकटों की हैट्रिक लेते हो गेंदबाज तो रामलाल जी ददेल की ओर से उन्हें 1100 रुपए का कैश प्राइज रखा गया है। तापा जी की ओर से अपना सिर्फ अनुज के लिए है। दिव्य जी का सिर्फ अनुज के लिए। पहली 3 गेंदों पर अखिलेश प्रसाद की केवल 3 रन आए थे। अनुज की पहली गेंद योगेश के लिए गेंद बैकफुट पर जाकर उछाला गेंद को फील्डर दौड़ रहे हैं। अच्छी फील्डिंग प्रयास किया गया। डाइव लगाई गई आसिफ द्वारा। गेंद तक पहुंचने की कोशिश में थे आसिफ।
दो रन इस बीच योगेश के खाते में, तीन रनों पर पहुंचे हैं योगेश, 17 रन टोटल स्कोर। अनुज फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, वो अजीब अंदाज में खेला गेंद को, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, दो रनों का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। यकुनाविस रन, विशाल जी का भी आगमन मैदान में, वेलकम। बगुया और ये चौका, और ये चौका, एक आर्या प्रीमियर लीग का आयोजन आने वाली 30 तारीख से सिडको के संभाजी मैदान पर भी होने वाला है, बड़ा इवेंट है। 1,00,000 रुपए की धनराशि प्रथम पुरस्कार के रूप में रखी गई है आर्या प्रीमियर लीग में आने वाली 30 नवंबर से। 1,11,000 रुपए का पहला प्राइज है, उसी के सर्वे सर्वा विशाल जी पट्टे बहादुर इस समय यहां पर फाइनल मुकाबले का आनंद लेते हुए। इधर 23 रन बन गए हैं, सॉरी 26 रन, 3 रन अभी दौड़कर बनाए गए योगेश द्वारा। छब्बीस रन अनुज, अनुज का ये पहला ओवर, इस बीच स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य तथा सम्माननीय नगर सेवक श्याम भाई बड़ोदे का भी मैदान में आगमन, हार्दिक स्वागत है सम्माननीय बड़ोदे जी का। और रिक्वेस्ट होगी बड़ोदे जी से, प्लीज आपको मंच के पास आना है बगुया, और ये दो रनों का इशारा अंपायर की ओर से। श्याम भाई बड़ोदे भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, कोरोना काल से पहले एक कैच आप लोगों ने देखा होगा श्याम बड़ोदे का विजय भोर चषक में, एक यादगार कैच। अनुज अगली गेंद के साथ, जलाल राठौड़ को पंच किया, गेंद को पंजों के बल उछलते हुए गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पहुंची, आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए एक रन दौड़ गए दोनों बल्लेबाज। इसके साथ ही ओवर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, दो ओवर का खेल पूरा हो गया, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन। स्टार इंदिरा नगर के सदस्य श्याम भाई बड़ोदे उनके साथी यहां पर खेल रहे हैं मनीष भाई पाटिल, इस समय फील्डिंग टीम यानी जानता राजा में जर्सी नंबर 1 में देखे जा सकते हैं। उनके साथ साथ यहां पर उपस्थित आदिल भाई शेख एक और सदस्य न्यू स्टार इंदिरा नगर के, हार्दिक स्वागत है आदिल भाई का भी। अखिलेश प्रसाद अपना वैयक्तिक अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, इस पारी का तीसरा ओवर होगा ये, दो ओवर के बाद स्कोर है 29 रन। अखिलेश प्रसाद पावर प्ले समाप्त हो गया है, 29 रन स्कोर है।
अपनी आक्रामकता को बरकरार रखना चाहते हैं जयलाल राठौड़। जयलाल राठौड़ जैसे बल्लेबाज को ज्यादा देर तक शांत नहीं रखा जा सकता है, यह और बात है कि तिरछे बल्ले से स्ट्रोक खेल रहे हैं जयलाल राठौड़। उनतीस रन बने हैं, तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। अगली गेंद के साथ अखिलेश ऑन साइड में घुमाने की कोशिश, गेंद को मिस टाइम स्ट्रोक। यदि यहां पर डायरेक्ट हिट हो जाता, क्या सुंदर फील्डिंग की है मनीष पाटिल ने। और जैसे कि क्रिकेट में देखा जाता है, अपना बचाव करने के लिए अपना शरीर का इस्तेमाल ये एक हुनर। यदि यहां पर डायरेक्ट हिट होता तो काफी करीबी मामला हो सकता था। यस, बल्ले से आया है रन, जलाल राठौड़ के खाते में ये रन जाता हुआ। तीस रन बने हैं, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर, अच्छा यॉर्कर। इन दोनों बल्लेबाजों ने सेमीफाइनल के मुकाबले में जीएल टाइगर्स को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, उसी का अनुकरण, उसी मुकाबले के नक्शे कदम पर ये दोनों बल्लेबाज इस समय चल रहे हैं। अखिलेश की गेंद, ओ लवली बॉलिंग, लवली बॉलिंग, ब्यूटीफुल बॉलिंग फ्रॉम अखिलेश। चार गेंदों में मात्र एक रन दिया है अपने इस ओवर में अभी तक अखिलेश प्रसाद ने। हालांकि सीजन क्रिकेट पर विकेटकीपर अपनी भूमिका निभाते हैं अखिलेश प्रसाद। जो लोगों ने एनपीएल देखा होगा उन्हें याद होगा कि बेस्ट विकेटकीपर रहे हैं एक जमाने में अखिलेश प्रसाद सीजन क्रिकेट पर। फिलहाल गेंदबाज के रूप में यहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अगली गेंद को ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक। स्क्वेयर लेग और मिड विकेट के बीच से फील्डर वहां तैनात किए गए हैं। अच्छी फील्डिंग, अच्छा रिटर्न, यह कच रन। ब्रिलियंट बॉलिंग, पांच गेंदों में केवल दो रन दिए हैं अखिलेश ने अपने इस ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, अपने में कोटि की आखिरी गेंद लेकर अखिलेश प्रसाद, गेंद हवा में, प्रयास किया गया कर्टन बोल्ड का अखिलेश प्रसाद द्वारा, भरसक प्रयास किया गया। गेंद पहुंच से दूर, एक अच्छा ओवर यहां पर कंप्लीट होता हुआ अखिलेश प्रसाद का। तीन रन दिया अखिलेश ने इस ओवर में, तीन ओवर का खेल भी पूरा हो जाएगा। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 10.67 के रन रेट से स्कोर हुआ है 32 रन्स। धन्यवाद सचिन जी। वो टीमें जो रोजाना इस गांव में मड़ा पर अपना दमखम दिखाती हैं मॉर्निंग में, जिनकी बदौलत ये इवेंट का आयोजन यहां पर किया गया है, उसमें पांडवलेनी वॉरियर्स, राइजिंग स्टार्स, पावर हिटर, सुजोत योद्धा, नासिक लॉयंस, मॉर्निंग स्टार्स तथा आरडी ब्लास्टर्स, ये तमाम वो टीमें जो वर्ष भर अपने फिटनेस को, अपनी सेहत को लेकर, अपनी तंदुरुस्ती को लेकर रोज सुबह फिकर से यहां पर मैदान पर उपस्थित होती हैं, उन्हीं की बदौलत ये सुंदर सा आयोजन, उन्हीं खिलाड़ियों की बदौलत ये सुंदर सा आयोजन गांव ने मड़ा प्रीमियर लीग के रूप में। गेंदबाजी में परिवर्तन, अनुज की जगह पर अब गेंदबाजी करने के लिए बुलाए गए हैं दीपक हनौटे। चौथे ओवर का खेल शुरू होने वाला है। विकेटों से बिल्कुल करीब सटे हुए विकेटकीपर अखिलेश प्रसाद को देखा जा सकता है। दीपक अपने ओवर की पहली गेंद के साथ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार।
दीपक की पहली गेंद घुमाने की कोशिश, गेंद को जयलाल राठौर द्वारा फुल लेंथ गेंद थी, लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद से थोड़ा सा आगे टप्पा खाया गेंद ने। गेंद को कनेक्ट करने में नाकाम रहे 22 के रूप में ये रन, शायद 22 होगा मुझे लगता है, बैट से आया है। फिर एक बार जयलाल राठौर के खाते में रन। दीपक योगेश के लिए गेंद ऊंचा स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है और अच्छा कैच लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा। पहले विकेट का पतन होता हुआ जीएल टाइगर्स के, योगेश आउट होकर लौटे हैं। नए बल्लेबाज आपले गोटू भाव, दीपक हनोटे अगर इस ओवर में हैट्रिक ले लेते हो तो विशाल भाई पट्टे बहादुर की ओर से उन्हें 1001 रुपए का कैश पारितोषिक दिया जाएगा। अच्छा इस गेंद पर अगर विकेट लेते हो तो दिव्य जी की ओर से 101 या बैट्समैन सिक्स लगाते हो तो भी दिव्य जी की ओर से 101 रुपए। दिव्य जी कब से डिक्लेयर कर रहे हैं पता नहीं, नोट को क्या मंत्र मार के लाए हैं, उनका रुपया जा नहीं रहा है पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है लगेज फोन पे हो रहे हैं, लगेज तुरंत। एक मिनट दिव्य जी ये बॉल पर भी है क्या? नहीं दिखे जी, सॉरी जी, चुमड़े जी के पास जमा कर दिए गए हैं पैसे। नेक्स्ट बॉल, अच्छा कमबैक दीपक द्वारा। 39 रन्स, 3.4 ओवर्स, एक सिली मिड ऑफ लगा दिया गया है गोटू के लिए। अब वो गेंद को खेलना चाहते थे सामने की ओर, फाइन लेग की दिशा में जा रहे हैं गेंद, दो रन आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। लंबाई के एतबार से अगर देखा जाए तो पूरे नासिक सिटी में, नासिक महानगर में सबसे बड़ा मैदान गामनेवाड़ा का, ये कारण है इतनी टीमें रोजाना यहां पर प्रैक्टिस कर सकती हैं। ते मागचे पूरे आत्मदे आहेत का बंटी भाई दोन्हे, ते आत्मदे आहेत का पूरे मुले, पड़ा बेटा बाहेर। संडे है और बच्चों का संडे आज छोटे मैदान पर होना चाहिए। आखिरी गेंद लेकर दीपक, फिर एक बार उसी प्रकार का स्ट्रोक, इस बार शॉर्ट फाइन लेग मौजूद है। ओवर कंप्लीट, चार ओवर के बाद स्कोर हुआ है 41 रन, चार ओवर 41 रन,
इस रन रेट से अगर बल्लेबाजी करती हो जीएल टाइगर्स की टीम तो 80 से 85 रन बनाए जा सकते हैं 8 ओवर्स में। जयलाल राठौर स्ट्राइक पर है इस समय। अब अगर जयलाल राठौर इसी मुकाबले में 3 गेंदों में 3 चौके ऑलरेडी लगा चुके हैं, लेकिन अब अगर 3 गेंदों में 3 चौके लगाते हो तो विशाल भाई पट्टे बहादुर की ओर से 501 रुपए का रोक पारितोषिक होगा, और अगर 3 गेंदों में 3 सिक्स लगाते हो तो विशाल जी की ओर से 1000 रुपए, और आरडी ब्लास्टर्स के ऑनर हमारे मित्र माननीय ददेल जी और थापा जी की ओर से 1100 रुपए का रोक पारितोषिक। डीजे थैंक यू डीजे। आसिफ बुलाए गए हैं चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए, अब पांचवे ओवर में राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद जलाल राठौर को शॉर्ट गेंद पुल करने की कोशिश, गेंद हवा में आसान सा कैच और इसके साथ ही जलाल राठौर की पारी का अंत। खाना हो गया, चलो अब एक हैंड रमी हो जाए। रनों पर दूसरा विकेट चला गया और वो भी बड़ी मछली फंसाई है जाल में जलाल राठौर के रूप में। सगर श्रीकांत सगर उर्फ गेल क्रिस गेल आसिफ की गेंद, श्रीकांत सगर को खेला गया स्ट्रोक और मुझे लगता है नहीं रोक पाएंगे 4 रन। दीपक हनौटे द्वारा भरसक प्रयास किया गया था गेंद को कैच करने के लिए। प्रयास अच्छा किया गया था दीपक द्वारा, गेंद तक नहीं पहुंच सके, काफी मुश्किल कैच हो सकता था। खैर पैर चौके से अपना खाता खोलते हुए यहां पर गेल, आसिफ की अगली गेंद एक बार फिर और इस बार पुल करने वाले अंदाज में बल्ला चलाया गया। ओ फील्डिंग क्या खूबसूरत फील्डिंग की है डीप स्कोर लेग के खिलाड़ी ने संदीप जाधव, सुंदर फील्डिंग ब्यूटीफुल फील्डिंग। 2 रन इस बीच दौड़कर पूरे किए गए हैं श्रीकांत सगर
आक्रामकता दिखाते हुए 47 रन टोटल स्कोर इस समय आसिफ की अगली बॉल। एक बार फिर श्रीकांत सगर के लिए, इस बार अच्छा कमबैक, गुड लेन गेंद थी, पुल करने वाले अंदाज में बल्ला चला, गेंद समा गई विकेट कीपर के हाथों में। इस डॉट गेंद के साथ कुछ अंकुश अपनी गेंदबाजी पर लगाते हुए आसिफ एक बार फिर। नेक्स्ट बॉल ऑन साइड में घुमाया गेंद को, डीप मिड विकेट पर पहुंच रही है गेंद, फील्डर वहां पर एक बार फिर संदीप जाधव। एक ही रन से समाधान मानना होगा सगर को, 48 रन, लास्ट बॉल ऑफ द फिफ्थ ओवर। अच्छा ओवर, पांच गेंदों में अभी तक आसिफ ने 7 रन देकर एक विकेट चटकाया है जलाल राठौड़ जैसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज का। हालांकि अभी काफी गहराई है जीएल टाइगर्स की बल्लेबाजी में, गणेश लोंडे को अभी आना बाकी है, दीपक बोरसे जैसे बल्लेबाज अभी आने बाकी हैं, उनके साथ साथ रोहित जगताप, तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की अभी लाइन बाकी है। अगली गेंद लेकर आसिफ, गोटू के लिए गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, मिस्टर एक्स्ट्राज के खाते में रन जाता हुआ, 49, लास्ट बॉल ऑफ द फिफ्थ ओवर। आपले गुटू भाव 4 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। ओ व्हाट अ शॉट, फुल लेंथ गेंद, जगह पर खड़े खड़े भवानी चौका मधी गए, चौका मधी सवारी भवानी चौका मधी गए, चौका मधी चौका मधी। पांच ओवर का खेल कंप्लीट हो गया है, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन प्रति ओवर के रन रेट से 55 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस बीच विशाल जी शाह का मैदान में आगमन, वेलकम शाह सर। अनुज को बुलाया गया है एक बार फिर गेंदबाजी के लिए, 55 रन बने हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। स्ट्राइक पर होंगे गेल और श्रीकांत सगर। अनुज की गेंद, स्लोर वन गेंद, फुल टॉस गेंद, खेला गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां लगाए गए हैं, दूसरा रन पूरा किया जा रहा है सगर द्वारा। क्या स्ट्रोक खेला था पिछले ओवर की लास्ट गेंद पर गोटू भाव ने, रडार में लिया गेंद को, बाजुओं की ताकत और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, खैर 56 रन बने हैं। ओह ह्यूज स्ट्रोक, काफी लंबा सिक्स, परीक्षा है गेंदबाजों की, कठिन परीक्षा है दोनों गेंदबाजों की। जहां तक बात की जाए, दोनों बल्लेबाजों की खासियत यह है कि इन्हें आप ज्यादा शॉर्ट गेंद भी नहीं कर सकते हैं, फुल लेंथ गेंद भी नहीं कर सकते। शॉर्ट गेंद, उछाला गेंद को, ओ व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच फ्रॉम आसिफ, क्या कैच लगता है आसिफ ने।
देखिए लीजेंड क्रिकेट क्लब की ओर से आसिफ के लिए यहाँ पर प्राइज आया है, जो कैच अभी लपका है उसके लिए 600 रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर लीजेंड क्रिकेट क्लब की ओर से दिया गया है आसिफ को। वाकई काबिले तारीफ। मुंबई ₹600 एक अच्छे कैच के लिए आसिफ को यहाँ पर। अच्छा रोहित नए बल्लेबाज आए हैं और यदि वो पहली गेंद पर सिक्स लगा देते हो तो ₹501 का प्राइज आशुभाव चुमड़े की ओर से यहाँ पर दिया जाएगा। पहली ही गेंद पर रोहित जगताप आते ही कमाने का चांस। दिग्गज जी तरफ से भी ₹501 पहले ओवर की पहली गेंद। ओ माय गॉडनेस बगुला। इस ओवर में चार गेंदे हुई हैं, एक विकेट भी गया है, उसके बावजूद 14 रन अभी तक आ चुके हैं इस ओवर से, 69 रन बन गए हैं। छठे ओवर का खेल जारी है। डीके जी की ओर से और चुमड़े जी की ओर से ₹500 का प्राइज जीत चुके हैं रोहित। परत आता नहीं, आता लालच हो जाएगी फिर। प्रेशर नहीं लिया प्राइज होने के बावजूद भी रोहित ने, और रोहित में क्षमता है कि वो ऊंचे स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। अनुज की अगली गेंद, एक बार फिर रोहित जगताप का फुल टॉस। गेंद खेल को खेलना चाहते थे सामने की ओर, गेंद जा रही है डीप गली की तरफ, दो रनों का इशारा अंपायर की ओर से। शतक संपला, 6 ओवर का खेल पूरा हो गया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 71 रन, 71 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 11.83 मौजूदा रन रेट इस समय। आसिफ अगर इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट ले लेते हो तो आशु जी चुमड़े की ओर से ₹500 का कैश प्राइज आसिफ के लिए भी होगा या चेंड ओवर। स्ट्राइक ला आप ले गुड्डू भाई। ओ ह्यूज शॉट, क्या बैटिंग कर रहे हैं, क्या बैटिंग कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट में एक बात यह देखी जाती है, एक तो शॉर्ट गेंद और दूसरी फुल लेंथ ओवर पिच गेंद। बल्लेबाज के रडार में अगर मिल जाए तो नतीजा आप लोग देख रहे हैं क्या निकल रहा है। 6 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं गुड टू भाव, व्हाट अ बैटिंग। 7 चेंडू हुई धावा और इधर आसिफ अपने ओवर की अगली गेंद के साथ। 7वां ओवर मैदान में चल रहा है, स्कोर हो गया 77 रन। शॉर्ट मिड ऑफ बुलाया गया है एक। आसिफ की गेंद, ज्यादा शॉर्ट गेंद, गेंद हवा में, खराब स्ट्रोक का चयन।
धन्यवाद धन्यवाद डीजे। नासिक टेनिस क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ना केवल भारत बल्कि सात समुंदर पार भी नासिक का नाम पहुंचाया। नासिक की आन बान शान मुन्ना शेख का मैदान में आगमन हुआ है। हार्दिक स्वागत है मुन्ना भाई शेख का, जोरदार तालियों के साथ स्वागत प्लीज। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने नासिक का नाम विश्व स्तर पर टेनिस में पहुंचाया है, इस समय गामने मड़ा के इस मैदान पर उपस्थित हुए हैं। हार्दिक स्वागत है मुन्ना जी का। खैर, ये लीजेंड क्रिकेट क्लब की ओर से एक बार फिर आसिफ के लिए, आसिफ खान के लिए 501 रुपए का प्राइज यहाँ पर आ गया है। प्रति विकेट लीजेंड क्रिकेट क्लब की ओर से 500 रुपए आसिफ के लिए। गेंद हवा में डीप लॉन्ग लेग की दिशा में जा रही है गेंद, वेट करना होगा, वेट करना होगा। और भगुया चार रनों का इशारा अंपायर की ओर से, 81 रन। सातवें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है, 81 रन नाउ टोटल। क्या लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। गणेश लोंडे तो अभी अभी आए हैं, पहली ही गेंद का मुकाबला किया और चार रनों के लिए खेला गया गणेश लोंडे का स्ट्रोक। आसिफ अपने ओवर की चौथी गेंद के साथ, गणेश लोंडे को बैकफुट पर जाते हुए गेंद को उछाल कर खेला डीप मिड विकेट पर, फील्डर मौजूद है और मुझे लगता है ये चार रन बजाया जाए। अगर जरा थके हो तो सुनो, खुशी में आप थोड़ा दम भरो, लगाओ घूट तुम भी प्यार से, मेरी तरह पियो और जियो, लगाओ घूट तुम भी प्यार से, मेरी तरह पियो और जियो। मनोज भाई जय भावे का भी आगमन है मैदान में, वेलकम जय भावे जी। खैर, इधर इस चौके की सहायता से 85 रन कुल मिलाकर स्कोर हो गया। दो गेंदों में दो चौके लगा चुके हैं लुंडे। वाह ब्यूटीफुल शॉट, रूम बनाया, बैकफुट पर गए, एक अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, सुंदर फील्डिंग, 81 रन, 86 रन्स, लास्ट बॉल ऑफ द सेवेंथ ओवर। आसिफ महंगे जरूर साबित हुए, दो विकेटें भी चटकाई, 1.5 ओवर में 29 रन अभी तक खर्च किए हैं आसिफ ने, 86 रन बनाए हैं, 86 रन टोटल स्कोर है। रोहित जगताप इस गेंद पर अगर सिक्स लगाते हो रोहित तो 501 रुपए चुमड़े जी की ओर से। वाइड वाइड चांस, चांस है रोहित को, प्राइज कंटिन्यू। आशु चुमड़े जी की ओर से 500 रुपए का रोक पारितोषिक फक्त रोहित को। आसिफ की गेंद, ओ घुमाना चाहते थे गेंद को, देखना है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से गेंद जा रही है डीप की दिशा में, दूसरा रन लेने निकले हैं रोहित और दो रन इस प्रकार से कंप्लीट कर लिए जाएंगे। सात ओवर का खेल इस प्रकार से पूरा हो जाएगा और सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 89 रन, 89 रन।
इस बीच माननीय सतीश जी जाधव का आगमन हुआ है, हार्दिक स्वागत जाधव जी का। सतीश जी यादव, वेलकम यादव जी। इधर लास्ट ओवर का खेल शुरू होने वाला है, दीपक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पुल किया है गेंद को गणेश लोंडे ने, गेंद जा रही है, देखना है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, थोड़ा सा फंबल, दूसरा रन बगुया नॉट आउट का इशारा, नॉट आउट का इशारा। क्या देश दौड़े थे रन लेने के लिए रोहित। रोहित जगताप आज हाथ में ब्लैक बैंड क्यों बांधा है समझ में नहीं आया। अच्छा, दीपक तैयार होते हुए अगली गेंद के साथ 91 रन। दीपक की गेंद, वो उछाल कर खेलने की कोशिश गणेश लोंडे द्वारा गेंद को, लास्ट ओवर खेल का खेल चल रहा है, चार गेंदे इस ओवर में अभी बाकी हैं। अगली गेंद लेकर दीपक फुल टॉस बनाकर उछाला है गेंद को, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और गणेश लोंडे की पारी का अंत, विकेट नंबर 3। दीपक बोर से आए हैं नए बैट्समैन, तीन गेंदे बाकी हैं लास्ट ओवर में और तीन गेंदों में से दो गेंदों पर भी अगर दीपक सिक्स लगा लेते हो तो विशाल भाई पट्टे बहादुर की ओर से 501 रुपए का रोक पारितोषिक, और अगर वो कवर पर सिक्स लगाते हो तो दीपक भाई गायकवाड़ रामदास भाई सहजराव की ओर से 501 रुपए कवर पर सिक्स लगता हो तो। वो आई शपथ मिली थी बॉल, देखते रह गए चकमा दिया दीपक ने। अब दो गेंदे बची हैं, प्राइज जीत सकते हैं दीपक बोर से, चांस था यहां पर लेकिन हाइट उतनी नहीं थी, गेंद जा रही है डीप कवर की दिशा में और ये चार रन दीपक बोरसे के बल्ले से, ये पहला चौका। 95 रन्स, और जहां तक इस ओवर की बात की जाए बहुत अच्छा ओवर, पांच गेंदों में मात्र 6 रन दिए हैं दीपक ने अभी तक अपने इस ओवर में। लास्ट ओवर चल रहा है, 8वां ओवर, 95 रन स्कोर, और इस बार दीपक ने सुंदर अंदाज में गेंद को खेल दिया है, वेट करना होगा अंपायर के फैसले का, 2 रन। सो इस प्रकार से 8 ओवर का खेल कंप्लीट हो गया है, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 97 रन। ये मुकाबला जीतने के लिए जानता राजा को बनाने होंगे 8 ओवर की 48 गेंदों में 98 रन। डीजे बजाया जाए।
आसिफ खान से गुजारिश है, आपको यहाँ आना है, कैच के लिए 600 रुपए और विकेट के लिए 500 रुपए का पुरस्कार लीजेंड क्रिकेट क्लब की ओर से उन्हें यहाँ पर दिया जाएगा। प्लीज आसिफ आप यहाँ पर आ जाए और अपना प्राइज यहाँ से लेकर जाए। कुल मिलाकर 1100 रुपए का इनाम यहाँ पर आसिफ खान को। माननीय चेतन जी छुमड़े के हाथों से यहाँ पर प्राइज लेते हुए आसिफ खान। यस सर, रोहित भाई जगताप से भी विनती है, प्लीज यहाँ आ जाइए रोहित जी प्राइज लेने के लिए। रोहित जी जगताप सचिन रोहित जी आपको आने की आवश्यकता नहीं है, नितिन भाई शिंदे यहाँ पर आपका प्राइज ले रहे हैं। नितिन भाई शिंदे से रोहित जी अपना प्राइज आपको कलेक्ट कर लेना है। दुसऱ्या इनिंगची सांगता होते, ओपनिंग फलंदाज आता है अखिलेश प्रसाद आणि उदय। रनचा पाठला करताना जीएमपीएल 2022 चा फायनलचा सामना, दोन्ही संघांनी चांगला खेळ करून फायनलमध्ये धडक घेतली। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। पर्व तिसरे जीएमपीएल 2022 मध्ये 98 रनचा पाठला करताना संघाचा कर्णधार जानताराजा संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करून जीएल टायगर संघाला आमंत्रित केलं होतं फलंदाजीसाठी। बघूया दुसऱ्या इनिंगचा पहिला चेंडू।
पहिला चेंडू वरती मिड विकेट च्या दिशेने टोलवलेला चेंडू, एक धाव मिळेल तिथे। या एक धावे बरोबर संघाचं खातं ओपन होतंय। पॉवर प्लेच पहिले षटक, कर्णधार जयलाल राठोड, बघूया उदय साठी शॉट पद्धतीचा चेंडू, एक धाव मिळेल तिथे। अन्नाचं उत्कृष्ट असं कलेक्शन, तरी सुद्धा एक धाव मिळेल इथे। धन्यवाद डीजे। एक बक्षीस येत इथे चेतन भाऊ कडनं, अण्णांनी जर अखिलेचा कॅच पकडला तर 501 रुपये। सुंदर अशी गोलंदाजी, इन स्विंगर बॉल जयलाल राठोडचा अखिलेशसाठी, डॉट स्वरूपाचा चेंडू। मोठं लक्ष आहे जानताराजा संघासाठी, 98 धावांचा पाठला करताना मोठे शॉट्स खेळावे लागतील इथे। एक कर्णधार इनिंग खेळावं लागेल अखिलेश प्रसादला। पुढचा चेंडू, सुंदर असा चेंडू, परत एकदा डॉट स्वरूपाचा चेंडू। ओवर टू मुन्ना भाई। धन्यवाद गायकवाड़ जी। 98 रन बनाने हैं पहले ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। जयलाल राठौड़ गेंदबाजी कर रहे हैं और वो भी अखिलेश प्रसाद जैसे बल्लेबाज को बांधे रखना मैं समझता हूं बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं जयलाल राठौड़। वो इस बार गेंद को दिशा दिखाई, गली बैकवर्ड पॉइंट के बीच से एक रन लिया गया। पहले ओवर की 5 गेंदों में मात्र 3 रन अभी तक बनाए गए हैं जबकि पावर प्ले का ओवर चल रहा है। उदय शिंदे ऑन अ स्ट्राइक। ओ क्या छूटा, उदय शिंदे को जीवन का दान। गणेश जी के हाथों से कैच छूटा था। नागरे पाटिल जी का बोलना है कि इस कैच के पीछे भी कुछ राज था, समझ में नहीं आया मेरे। अखिलेश प्रसाद गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई है। जयलाल राठौड़ अभी फिलहाल विकेट कीपर की भूमिका में अपना सर्वस्व लगाते हैं हर मुकाबले में। जयलाल राठौड़ फील्ड में जब मौजूद होते हैं। गुटू, नेक्स्ट बॉल फॉर अखिलेश। और इस बार ग्लांस करने वाले अंदाज में बल्ला चलाया। अपील अपील
अपील कोई प्रभाव नहीं अपील का। दूसरे ओवर का खेल जारी है, 5 रन अभी तक बनाए गए हैं। कोई चौका या सिक्सर बड़ा स्ट्रोक अभी तक देखने को नहीं मिला है जानता राजा के दोनों ओपनर्स द्वारा। एक बार फिर तैयार होते हुए गो टू अखिलेश के लिए गेंद, बगैर गेंद की लाइन में आए, अक्रॉस दी लाइन ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास, क्या कहते हैं उसको मराठी में, आड़वा पट्टा। बल्ला चलाया था ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने के लिए, गेंद और बल्ले में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर नेक्स्ट बॉल, ब्यूटीफुल बॉलिंग, ब्यूटीफुल बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग। स्ट्रोक खराब नहीं था, स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन गैप ढूंढने में नाकाम रहे अखिलेश प्रसाद। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद बैकफुट पर गया, स्ट्रोक भी अच्छा खेला गया। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ पेस इस बार, और मिसफील्ड, देखना है उसका कुछ फायदा, कोई फायदा नहीं मिलता हुआ जानता राजा को। इस बीच मुख्तार भाई काचवाला का भी आगमन हुआ है मैदान में, द मैन फ्रॉम अंबर लिंग रोड। सिक्स रन नाउ, अनदर डॉट बॉल, अनदर डॉट बॉल, ओवर समाप्ति का इशारा अंपायर की ओर से। मैच शुरू करना है, धन्यवाद डीजे। दो ओवर पूरे हो गए हैं और दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन। अब आने वाले 6 ओवर की 36 गेंदों से 92 रन बनाने हैं, आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। अब आवश्यकता है तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी करने की। नए ओवर की शुरुआत, फिर एक बार मिस टाइम, फिर एक बार मिस हो गए अखिलेश। पता नहीं क्यों आज अखिलेश प्रसाद जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उस प्रकार की बल्लेबाजी करने में थोड़ी सी असुविधा महसूस कर रहे हैं। सराहना करनी होगी गेंदबाजी की। नेक्स्ट बॉल, ओ ब्लॉक होल, ब्लॉक होल, सिंगल रन। पहली पारी में जिस समय बल्लेबाजी चल रही थी यहां पर
जीएल टाइगर की, तो पावर प्ले के दो ओवर में स्कोर था 29 रन, और उसके जवाब में अगर आप पावर प्ले के दो ओवर में मात्र 6 रन बनाते हो तो आगे का काम आपके लिए काफी 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 औघड़ होगा, मुश्किल काम होगा। असा नको खेला मुलानो। अगली गेंद, इस बार उछाला है गेंद को हवा में, एक शॉट ओवर, ओवर कैच, व्हाट द कैच, मागून भुगतो कशाला भावा, लावायची समोर ताकत लावा, मागून भुगतो कशाला भावा, लावायची समोर ताकत लावा, शांती तक्रांती करू नको बाळा, मी काय जो करना बोलत मार्केट शहरात आपलंच नाव गुणगुणतय, वाचा ही चांगली ठेवतोय म्हणून पब्लिक डिमांड देतय, गल्लीत बोलत मार्केट शहरात आपलंच नाव गुणगुणतय, वाचा ही चांगली ठेवतोय म्हणून पब्लिक डिमांड देतय। इस ओवर में 3 गेंदे अभी तक की है सुमित घोड़के ने, केवल 1 रन दिया है और एक महत्वपूर्ण विकेट, क्या कैच लपका था श्रीकांत सगर ने, ऐसे ही क्रिस गेल नहीं बोला जाता है, उस प्रकार का प्रदर्शन दिखाना होता है, आसान कैच नहीं था, वापस लौटते हुए कैच करना। इस बीच सुमित की अगली गेंद, थोड़ा सा थोड़ी सी चिड़चिड़ मैदान में, डीजे वेट वेट, थोड़ी सी खींचा खींची मैदान में होता है, लोकल क्रिकेट है, और उसका कारण यह है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि जीएल टाइगर्स के मेंटर और कोच रामलाल ददेल हैं, यही कारण है कि यह सब चल रहा है। थापा भाई, स्मित घोड़के, स्मित घोड़के, अनुज, अनुज मौर्य आना स्ट्राइक, अनुज मौर्य आना स्ट्राइक, स्मित घोड़के, गेंद होगी अनुज के लिए, 4 गेंदों में केवल 1 रन दिया है स्मित ने, वो इस बार घुमाया सुंदर अंदाज में गेंद को, बैट बाउंस, बैट बाउंस, अच्छा रन, अरे ताकत नहीं जिगर पहिजे, ताकत नहीं जिगर पहिजे, तो सखराज भाई हायरा, आज भाई हायरा, भक्त नाद पाइजे नादा शिवाय काही नाही रे, भक्त नाद पाइजे नादा शिवाय काही नाही रे, पहला चौका, पहला चौका दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला है, स्लोअर वन गेंद, स्वीप कर दिया है गेंद को, डीप स्कोर लेग अंपायर की बगल से, बगुया अंपायर देख रहे हैं, अंपायर देख रहे हैं, चेक करना चाहते हैं, मालूम पड़ जाएगा बाहर है क्या मदे है, दोनस धावा, शटक संपला, तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन, अब 5 ओवर की 30 गेंदों में 85 रनों की आवश्यकता है, 30 गेंदे
पांच ओवर 17 रन प्रति ओवर के रन रेट से 85 रन बनाने होंगे। छह गेंदों में 17 रन बनाना इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं है। अखिलेश प्रसाद और अनुज जैसे बैट्समैन अभी विकेट पर मौजूद और क्षमता रखते हैं बड़े स्ट्रोक्स खेलने की। इधर विचार विमर्श, बैट लाइट हो सकता है ऐसी सूचना मिली है। चला चला, जल्दी जल्दी खेलना है। 4:30 बज चुके हैं, लोगों को घाई है, रविवार है, संध्याकाल का कार्यक्रम भी बनाना पड़ता है रविवार को। चला पटापट खेला। मजबूत आला जरी अमदूत योगी चार करणार मूर्ती लहान जरी किर्ती ही मोठी हाय गुणी ही उद्या पूर्ण उरणार। तीस गेंदे 85 रन और उसका पाठलाग, उसका पीछा किस प्रकार से करती है जानता राजा, ये अब देखने वाली बात होगी। मैच अभी जानता राजा के हाथ से निकला नहीं है, पॉसिबल है। कड़क बैटिंग करनी होगी। गोटू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अखिलेश प्रसाद के लिए गेंद बल्ले का किनारा लिया था इस बार गेंद ने। प्रयास भी किया गया विकेटकीपर जयलाल राठौर द्वारा, डाइव लगाई गेंद को कैच करने के लिए। विकेट मिले ना मिले, डॉट बॉल बहुत जरूरी थी यहां पर जीएल टाइगर्स के लिए और वो यहां पर प्राप्त की हैं। आप ले गोटो भाव। अखिलेश प्रसाद ऑन अ स्ट्राइक। अगली गेंद, फिर एक बार अखिलेश को रडार में लिया है अखिलेश ने गेंद को। पहले ओवर से बल्लेबाजी करने आए थे अखिलेश प्रसाद, चौथे ओवर का खेल चल रहा है और पहली बार कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही सुंदर स्ट्रोक खेला अखिलेश प्रसाद ने। इस बार खेलना चाहते थे गेंद को ऑन साइड में, गेंद पहुंच रही है मिड ऑफ की दिशा में। सगर वहां पर मौजूद, उन्नीस रन बने हैं चौथे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। अगली गेंद, शॉर्ट बॉल, फिर एक बार उछाला गेंद को साइड में, गेंद जा रही है डीप स्कोर लेग की दिशा में और इस बार चार रन। दो गेंदे बाकी हैं ओवर में, अभी 23 रन कुल मिलाकर अभी तक बनाए जा चुके हैं। इस बार अपने रन अप से चूके गेंदबाज गोटू, 23 रन चौथे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, 75 रन अभी और बनाने हैं, 75 रन अभी और बनाने हैं, 26 गेंदे अभी बाकी हैं। नेक्स्ट बॉल, इस बार खेला है गेंद को स्क्वायर लेकर और मिड विकेट के बीच से दो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए। थोड़ी सी मिसफील्ड, उसका फायदा उठाते हुए दो रन यहां पर कंप्लीट कर लिए गए। 25 रन,
अगली गेंद लेकर तैयार होते हैं एक बार फिर अखिलेश के लिए गेंद है। सुंदर अंदाज में तेज स्ट्रोक खेला गया है मिड विकेट और स्कोर लेग के बीच से। इस बार एक ही रन से समाधान मानना होगा। चार ओवर का खेल कंप्लीट हो गया। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 26 रन। अब 72 रनों की आवश्यकता है चार ओवर्स में। सामने मरा प्रीमियर लीग सचिन जी वेट धन्यवाद सचिन जी। गामने मड़ा प्रीमियर लीग तीसरा वर्ष और जो 9 टीमें इस वर्ष यहां सम्मिलित हुई हैं उसमें साई इलेवेटर, एलजी टाइगर्स, सुजोत योद्धा, इनोसेंट वॉरियर्स जो गत 2 वर्षों से विजेता रही हैं। इनोसेंट वॉरियर्स दुर्भाग्यपूर्ण रूप से लीग मैचेस में ही इस बार बाहर होना पड़ा। क्रिकेट है सब कुछ संभव है। उनके साथ साथ मुंबई लायंस, यूके बादशाह, मॉर्निंग स्टार्स, जानता राजा तथा सीसी कैपिटल्स, ये 9 वो टीमें हैं जो इस वर्ष सम्मिलित हुई हैं इस गामने मड़ा प्रीमियर लीग में। देखना है इस बार गामने मड़ा प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन सी साबित होती है। स्मिथ घोड़ के आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। अखिलेश प्रसाद होंगे स्ट्राइक पर। अच्छा फ्लो में लौटे हैं अखिलेश। 19 रन बनाकर खेल रहे हैं 17 गेंदों में। घोड़के की गेंद अखिलेश को इस बार बल्ला पहले चला गेंद बाद में आई। अठारह गेंदों में 19 रन अभी तक अखिलेश ने बनाए हैं। हालांकि अखिलेश प्रसाद के बारे में माना यह जाता है कि बड़े स्ट्रोक खेलने में महारत रखते हैं अखिलेश, लेकिन जिस प्रकार की बल्लेबाजी आज अपेक्षित थी इस फाइनल मुकाबले में उसमें थोड़ी सी ऑफ। फुल टॉस गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद मिड फील्ड। अच्छा रन। पर पहुंच गए इस तरह से अखिलेश प्रसाद। और इस मुकाबले में अगर अर्धशतक लगा लेते हो अखिलेश तो हरदेव स्पोर्ट्स की ओर से उन्हें एक 77 का टी शर्ट दिया जाएगा। इस बीच सम्माननीय नगर सेवक भगवान जी नाना धोंदे का मैदान में आगमन। हार्दिक स्वागत है सम्माननीय धोंदे जी का। वेलकम स्मिथ। नेक्स्ट बॉल फॉर अखिलेश। स्कोर वन गेंद घुमाया है गेंद को। ईशान राजा क्या स्ट्रोक खेला है अखिलेश ने। इसी प्रकार के स्ट्रोक को निरंतर रखना होगा, जारी रखना होगा। 36 रन कुल मिलाकर बन गए हैं। अब 21 गेंदे बाकी हैं। 62 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 21 गेंदों में 62 रन। इस प्रकार की बल्लेबाजी अगर होती हो, निरंतर होती रहती हो तो मुझे लगता है संभव हो सकते हैं। स्मिथ घोड़के राउंड विकेट। अखिलेश को हेलीकॉप्टर शॉट। अच्छा रन। नादाईचा वार्ता करून पोटू फुटत चिपकून राश। डीजे मानव आपलं कर्तव्य नाही खबर कधी काय घडत साच। हे हे नादाईचा वार्ता करून पोटू फुटत चिपकून राश। सांच्या मनात पतिदार राजा विचार दमदार राजा
धन्यवाद, थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे। फोन भी नहीं, फोन। अरे भाई डीजे वाले भाई थोड़ा रहम करो। देखिए दो केंद्रों में दो सिक्सर्स लगाए हैं अखिलेश प्रसाद ने, अगर तीसरा सिक्स लगा देते हो तो आरडी ब्लास्टर्स थापा जी की ओर से 1100 रुपए का कैश प्राइज और उनके साथ साथ डीगे जी की ओर से 201 रुपए होंगे एक सिक। ओ माय गॉडनेस, ब्लॉक होल, यॉर्कर बॉल और मिसफील्ड, मिसफील्ड का फायदा उठाया गया 44 रन्स। और इस समय अगर आप इक्वेशन अगर देखें 4.5 ओवर में यहां पर एलजी टाइगर्स का स्कोर था 41 रन, जीएल टाइगर का स्कोर 4.5 ओवर में 41 था और यहां 44 रन बनाए हैं जानता राजा ने। ये फर्क सूद समेत वसूलना होगा। पांच ओवर का खेल पूरा हो गया, पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है पूरे 50 रन। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 16 रन प्रति ओवर के रन रेट से 48 रन बनाने हैं। 18 चेंडू 48 धावा। क्या बैटिंग कर रहे हैं अखिलेश, क्या सुंदर बैटिंग कर रहे हैं अखिलेश। काफी देर से बल्ला शांत नजर आ रहा था अखिलेश का, अब गेयर बदले हैं अखिलेश ने। अखिलेश प्रसाद अगर इस मुकाबले को जीता देते हो तो सावली टी शर्ट्स की ओर से उन्हें एक टी शर्ट्स भी यहां पर दिया जाएगा। हरदेव स्पोर्ट्स की ओर से उन्हें एक टी शर्ट्स होगा 50 बनाने के लिए, वो भी 70-70 का। और हर्षल जी पाटिल की ओर से 201 रुपए का पारितोषिक भी होगा। बहुत सारे प्राइज अखिलेश के लिए लगाए जा चुके हैं, देखते हैं। इधर फिलहाल शायद जयलाल राठौड़ को बुलाया जा रहा है छठे ओवर के लिए। अनुज साथ निभा रहे हैं अखिलेश का। एक समय हालात ये थे कि 17 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे थे अखिलेश, और अब कंडीशन ये हो गई है कि 23 गेंदों में 43 रन पर पहुंच गए हैं अखिलेश। पिछली 6 गेंदों पर जो आक्रामकता दिखाई है, अच्छा अनुज अगर पहली बॉल पर सिक्स लगाते हो तो दिघे जी की ओर से 101 रुपए। एक प्राइज आया है धनंजय जी पाटिल की ओर से, अगर जानता राजा इस मुकाबले को जीत जाती हो तो उन्हें 1100 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा पाटिल जी की ओर से। देखते हैं क्या होता है। 18 गेंदे 48 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। श्रीकांत सगर गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं। हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे अनुज, सिंगल रन लिया जाएगा और शायद क्रैम्स आए हैं पैर में। कोच
कोच कहाँ है ददेल जी? आपके खिलाड़ी के पैर में क्रैम्प्स आए हैं। तेरोवा प्लेयर नहीं है तेंचा कड़े सुमित सा। आय शपथ। क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे यार का। थापा जी के नाम में ये खासियत है कि वो नाम सुनते से अच्छा हो गया बंदा, दवा की भी जरूरत नहीं पड़ी है। श्रीकांत सगर, नेक्स्ट बॉल फॉर अखिलेश, 51 रन नाउ। ओ गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद जा रही है मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से, पहला रन तेजी से यहां पर जुटा लिया जाएगा। एक रन, अच्छी फील्डिंग स्मिथ द्वारा, सिंगल रन। अब 16 गेंदे बाकी हैं और 46 रन बनाने, 16 बॉल्स और 46 रन्स, मुकाबला काटे का चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर सगर, अनुज के लिए कड़क शॉट, गेंद जा रही है वारिस डबल बाउंड्री की ओर और ये 4 रन। क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे यार का। अच्छा स्ट्रोक खेला गया अनुज के बल्ले से, नेक्स्ट बॉल फॉर अनुज, बॉल किया है गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में, पहला रन तेजी से लिया गया, 57 रन बन गए हैं। अब अखिलेश प्रसाद अगर इस गेंद पर सिक्स लगा देते हूं तो आशु जी चुमड़े की ओर से 500 रुपए का प्राइज इस स्ट्रोक के लिए, और 101 रुपए होंगे सिक्स के लिए माननीय दिगे जी द्वारा। देखते हैं प्राइज बॉल है। 44 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय अखिलेश। ओ पुल करना चाहते थे गेंद को, फिर एक बार मिस टाइम स्ट्रोक, इनर एज लिया गेंद ने बल्ले का, फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड कर ली गई सगर द्वारा। श्रीकांत अच्छा कमबैक इस ओवर में श्रीकांत के माध्यम से। सम्माननीय नगर सेवक श्याम भाई बड़ोदे जी से अनुरोध है, प्लीज आपको यहाँ आना है। ऑन साइड में उछाल कर खेला गया स्ट्रोक, मुन्ना भाई तू सामने आए, वाट लग जाए मेरी, तू सर पे खड़ा हो जाए, खाट लग जाए मेरी। और आप देख सकते हैं खुद टीम के मेंटर और कोच मैदान में गए हैं कुछ कान मंत्र देने के लिए। चलिए एडवोकेट श्याम जी बड़ोदे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपको मंच पर आना है।
13 गेंदे बाकी हैं, सॉरी ओवर समाप्त हो गए हैं। कनेक्टेड यस 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 ओके ओके 12 गेंदे 41 रन 12 चेंडू 41 धावा बगुया कैसे होते हैं ये 41 धावा। जयलाल राठौड़ को बुलाया गया है गेंदबाजी के मोर्चे पर सातवें ओवर में इधर जीएल टाइगर्स की ओर से और मुकाबला होगा अनुज के साथ 12-41। अब विकेट कीपर की भूमिका में दीपक बोरसे को देखा जा सकता है। जयलाल राठौड़ राउंड दी विकेट हमसे दूर जाते हुए अनुज के लिए गेंद मिस टाइम स्ट्रोक गेंद हवा में नो मैन्स लैंड में गई गेंद इधर दूसरा रन पूरा कर रहे हैं अनुज। इस बीच सम्माननीय नगर सेवक बंटी जी तिदमे का भी आगमन हार्दिक स्वागत है तिदमे जी का आयोजन कमेटी की ओर से। सम्माननीय नगर सेवक भगवान जी नाना दोंदे उनके साथ साथ तिदमे जी भी यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सम्माननीय नगर सेवक श्याम भाई बड़ोदे से प्लीज आप भी मंच पर आ जाइए। उनसठ रन स्कोर है अब 11 चेंडू अने 39 धावा 11 गेंदे 39 रन। जयलाल राठौर फिर से एक बार अनुज के लिए घुमाने की कोशिश गेंद को विकेट कीपर बता रहे हैं कि गेंद विकेटों से लगकर गई है लेकिन जब तक बेल्स नीचे नहीं आती तब तक सुरक्षित है बल्लेबाज। माननीय बबलू जी सूर्यवंशी का भी आगमन हार्दिक स्वागत सूर्यवंशी जी का भी आयोजन कमेटी की ओर से। इस गेंद पर अगर सिक्स लगा देते हो तो दिगे जी की ओर से बंटी दोंदे को 101 रुपए का प्राइज होगा। पहली बार मुकाबला करने वाले हैं बंटी। ओ घुमाया था पावरफुल स्ट्रोक खेलना चाहते थे जयलाल राठौड़ डायरेक्ट हिट और ये इस बात को दर्शाता है निशाना इतना पक्का है यानी राठौड़ ने बचपन में गोटियां बहुत खेली है। चलिए चलते हैं मैदान में। इस समय एक और महत्वपूर्ण विकेट अनुज के रूप में यहां गंवा दिया है रवि। नए बल्लेबाज मैदान में गए हैं अब रवि मांडे बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं जिसकी इस समय आवश्यकता भी है। अब 9 गेंदे शेष है और 30 रनों की आवश्यकता 9 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। तीन नगर सेवक इस समय यहां पर सम्माननीय नगर सेवक यहां पर उपस्थित है मैच का मजा लेने के लिए। चला नौ गेंदे 38 रन। एक बार फिर जयलाल राठौर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। गेंद होगी बंटी दोंदे को राइट आर्म राउंड द विकेट। जयलाल राठौर
और बैकफुट पर जाकर सुंदर स्क्वायर कट, ब्यूटीफुल शॉट, क्लासिकल शॉट ऑन अ फोर रन, किताबी अंदाज में खेला गया स्ट्रोक बंटी धोंदे के बल्ले से। क्या क्या ढूंढा है, चौकों से बात नहीं बनने वाली है। आठ गेंदें बाकी हैं और आने वाली आठ गेंदों में जीतने के लिए आवश्यकता होगी 34 रनों की। आठ बॉल 34 रन, जयलाल राठौर टू बंटी धोंदे। फिर से एक बार इस बार वेट करना होगा, एनियस वाइड बॉल। अब अगर आठ गेंदों में आठ चौके लगते हो तो मैच टाई हो सकता है। हाँ, बैटिंग पर है बंटी और अंपायर है जॉन्टी। यस, अंपायर की उंगली पर, ऐसे समय पर गाना ना बजाया जाए, चुकी से उंगली इधर उधर ना डाली जाए। सात गेंदे बाकी हैं अब और 34 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। गामने मड़ा प्रीमियर लीग का तीसरा वर्ष, अंतिम मुकाबला, और इस मुकाबले को देखने के लिए सीनियर कारपोरेटर सम्माननीय भगवान जी नाना धोंदे, उनके साथ साथ सम्माननीय नगर सेवक प्रवीण तिदमे जी, और उनके साथ हमारे परम मित्र, आज भी मैदान पर अपना जलवा दिखाने वाले नगर सेवक सम्माननीय श्याम बड़ोदे भी उपस्थित हैं। इस बीच सम्माननीय नगर सेवक सुदाम जी ढुमसे जी का भी आगमन, वेलकम। इस बीच एक और विकेट चला गया, आय शिपा दोस्तों सब्सक्राइब करें। मनीष पाटिल नए बल्लेबाज मैदान में जा रहे हैं, 40 प्लस के वो खिलाड़ी जो आज भी 40 प्लस होने के बावजूद भी किसी नौजवान की बल्लेबाजी को शर्मा दे, जैसे हमारे मनीष पाटिल न्यू स्टार इंदिरा नगर के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। अब छह गेंदे और 33 रन। गणपत बजाना काय को बंद किया, एक खत्म नहीं हुआ। चला चला लोकल निवेदन है, कृपया डीज श्रीकांत सगर आए हैं लास्ट ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। छह गेंदों में 33 रन, आप देख सकते हैं निर्माणाधीन बिल्डिंग जो सामने नजर आ रही है, जो नई इमारत मैदान के सामने बन रही है, वहां से भी दर्शकगण मजा ले रहे हैं। क्रिकेट खेल ही ऐसा हो गया, क्रिकेट की अगर सादी जबान में बोलूं तो पूरे इंडिया में खुजली। इधर लास्ट ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं श्रीकांत सगर, और मुकाबला होगा पहली गेंद पर रविंद्र मांडे, टीम के मालिक भी हैं रविंद्र मांडे। हालांकि छह गेंदों में, और ये इस गेंद पर अगर सिक्स लगता हो तो चुमड़े जी द्वारा, आशीष चुमड़े जी द्वारा 500 रुपए का इनाम इस गेंद पर सिक्स आने के लिए।
रवि मांडे द्वारा प्रयास किया गया आयुष पद छूट गई कैच क्या छूट गया नए बल्लेबाज और अभी अभी सम्माननीय एडवोकेट बड़ोदे सर ने मुझे बताया है कि इनका नाम चीता रखा गया है मनीष पाटिल इंदिरा नगर का चीता एवडा मोटा चीता है थोड़ा सा साइड ला 5 गेंदे बाकी हैं 33 रनों की आवश्यकता ऑन साइड में घुमाने की कोशिश और मुझे लगता है अब सम्माननीय शिवाजी अप्पा चुमड़े यहां पर उपस्थित हो चुके हैं हार्दिक स्वागत आदरणीय चुमड़े सर का कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति सम्माननीय चुमड़े जी 4 गेंदे बाकी हैं 32 रनों की आवश्यकता है मांडे के लिए गेंद सोड़ून दिला वाइड बॉल श्रीकांत सगर रवि मांडे के लिए फिर एक बार चुमड़े जी द्वारा प्राइज आया है इस गेंद पर अगर 6 लगता हो तो 500 रुपए का प्राइज उन्हें आशीष चुमड़े जी की ओर से दिया जाएगा श्रीकांत सगर की गेंद रवि मांडे को ओ माय गॉड डीजे के सामने से हट जाए भजनों की सुपरस्टार शहनाज अख्तर की आवाज प्रभु श्री राम के परम भक्तों सभी बजरंगी भाइयों और बहनों के लिए ये भगवा धारी भजन भगवा रंग ये भगवा रंग पंगी लीजिए 5-6 इंच से बच गए 500 रुपए बड़ा परत 500 रुपए इस गेंद पर भी रवि मांडे के लिए प्राइज जीतने का मौका रवि मांडे प्राइज जीतने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हैं पता नहीं क्यों रविवार होने के बावजूद 2 रन लिए गए इन 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ अब 73 रन 25 रनों की आवश्यकता है 2 गेंदे बाकी हैं 25 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए 2 गेंदों में एक बार फिर रविंद्र मांडे स्ट्राइक पर श्रीकांत सगर राउंड द विकेट 500 रुपए का प्राइस कंटिन्यू मनीष पाटिल आगे सोचोगे आखिरी गेंद बाकी है और अब जानता राजा को कोई चीज बचा सकती है तो वो है केवल बारिश येड़ा बनाया और अंपायर भी ज्यादा मजा ले रहे हैं एक चेंडू 24 धाव बगुया मांडे द्वारा ये 6 सो इस प्रकार से इस वर्ष की चैंपियन बनी है जीएल टाइगर्स चौका मधी गए